वेव्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेव्स में क्या होगा, जैसे मान लो एक वाटर की सरफेस है, आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया तो पार्टिकल जो है वो नीचे गया, फिर वो ऊपर आया, फिर वो और ऊपर, पीरियोडिक मोशन मूव कर रहा है। तो दो प्रॉपर्टी ज़रूरी हैं वेव की जनरेशन के लिए। पहली, मीडियम इलास्टिक होना ज़रूरी है, क्योंकि इलास्टिक नहीं होगा तो वापस कैसे आएगा। और दूसरा, इनर्शिया। पार्टिकल का ये नहीं है कि पार्टिकल नीचे गया फिर ऊपर आया रुक गया, तो आगे क्रॉस करना चाहिए, तो जो कि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ऐसा होगा। तो दो प्रॉपर्टी ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़, वेव प्रोपगेशन के अंदर एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दो प्रॉपर्टीज़ जो ट्रांसफ़र होती हैं। टाइप ऑफ वेव्स में मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, जिन वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है उसको बोलते हैं मैकेनिकल, जैसे साउंड वेव। जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल। तो हम प्लस टू में क्या पढ़ते हैं, नॉन मैकेनिकल, प्लस वन में क्या पढ़ते हैं, मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में दो टाइप की प्रोपगेशन है वेव की, या तो ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स का मतलब क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये वेव की प्रोपगेशन हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, तो प्लेन प्रोग्रेसिव वो वेव है जो आगे बढ़ती है, ना तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना वेवलेंथ चेंज होती है, कुछ भी चेंज नहीं होता, एज इट इज आगे मूव करती रहती है, उसको बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। स्पीड ऑफ साउंड चाहे ट्रांसवर्स है चाहे लॉन्गिट्यूडनल है, वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला फॉलो करेगा। कुछ फॉर्मूलाज जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो पहला फॉर्मूला जो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग है, खींची हुई रस्सी है, उसमें आप क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में वेव जनरेट करते हो, वो ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव सॉलिड के अंदर जब ट्रेवल करती है, उसका फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ईटा बाय रो, ईटा का मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एक खींची हुई रस्सी यानी कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर अगर ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करे, तो अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, टी का मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है यहाँ तक, तो ये याद रखने फॉर्मूलाज। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन जैसे साउंड अगर सॉलिड में ट्रेवल करती है, तो अंडर रूट ऑफ के प्लस फोर बाय थ्री ईटा बाय रो, के का मतलब बल्क मॉडुलस, ईटा का मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और रो का मतलब डेंसिटी। और उसी तरीके से ये स्टील रॉड, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, स्टील रॉड में लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ वाई बाय रो, वाई फॉर यंग्स मॉडुलस, रो फॉर डेंसिटी। तो फॉर्मूला नोट करें। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस या किसी भी लिक्विड के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव जब ट्रेवल करती है, तो फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ के बाय रो, के का मतलब बल्क मॉडुलस, रो का मतलब डेंसिटी। ठीक है यहाँ तक, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन्स फॉर्मूला में कुछ नहीं है, न्यूटन ने कहा था कि जब ये फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल वेव गैस में ट्रेवल करेगी या एयर में ट्रेवल करेगी, तो के बाय रो, के उसने कहा था कि जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल इन नेचर है। जब साउंड मीडियम में ट्रेवल करती है तो कंप्रेशन रेरिफेक्शन होता है, कंप्रेशन में टेम्परेचर रेरिफेक्शन में टेम्परेचर सेम रहता है। तो ये उसने जब किया तो आंसर गलत आया था, उसको सही किसने किया था, लैपलेस। लैपलेस ने ये कहा था जब साउंड ट्रेवल करती है तो पार्टिकल हीट एक्सचेंज नहीं कर पाते सराउंडिंग के साथ, तो प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक। तो बल्क मॉडुलस किसमें निकलेगा, अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा, ये फॉर्मूला नोट करो, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो। तो ये फॉर्मूला नोट करो, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो। ठीक, तो ये फॉर्मूला है वेलोसिटी का साउंड की। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। तो पहला फॉर्मूला डेंसिटी, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर, तो वेलोसिटी कम होगी। ह्यूमिडिटी, तो मॉइस्चर की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है जिससे कि वेलोसिटी बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर में ये फॉर्मूला नोट करो, वी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, V is equal to under root of gamma RT by m। तो temperature के साथ velocity of sound directly proportional है under root of temperature के साथ। तो pressure का effect, कोई effect नहीं होता, pressure change करने से कोई effect नहीं है, amplitude change करने से कोई effect नहीं है, frequency change करने से कोई effect नहीं है, ये याद रखना है आपने। तो ये आपकी velocity of sound के कुछ formulas हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इसके base पे
देखो तो ये फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी नोट किए हुए हैं, आप इस क्वेश्चन को देखें, सीधा इस क्वेश्चन को देखें। स्ट्रेच स्ट्रिंग का फॉर्मूला है, स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो चेक करें क्या कुछ गिवन है और क्या निकालना है। देखो इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डेंसिटी ऑफ द मटेरियल गिवन है आपको, डेंसिटी गिवन है, स्ट्रेस इन द वायर भी गिवन है, और फाइंड स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन वायर। तो वायर के अंदर जो स्पीड होती है वो क्या होती है, अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, टी फॉर टेंशन, एम इज मास पर यूनिट लेंथ। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे को स्ट्रेस गिवन है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, फोर्स क्या है, स्ट्रेस इंटू एरिया, तो स्ट्रेस इंटू एरिया क्या है, फोर्स। टेंशन आ गई, एरिया की फॉर्म में निकाल लो, एरिया गिवन नहीं है। ऐसी मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ लेंथ कैंसिल, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या बना, एरिया इनटू डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है तो एरिया की फॉर्म में मास पर यूनिट लेंथ भी आ गया। तो टेंशन भी आ गई एरिया की फॉर्म में, एम भी आ गया एरिया की फॉर्म में, एरिया से एरिया कैंसिल आंसर आ गया। तो ये स्टाइल है लिखने का, ठीक। ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये लो। क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड बी डबल इट्स वैल्यू एट 273 केल्विन। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर 273 है तो वेलोसिटी वी है, टी टू है तो वेलोसिटी वगैरह डबल है, तो वी वन से वी वन कैंसल, यहाँ से टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, इन अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज, तो ट्यूनिंग फोक है जिसकी फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज है, साउंड वेव जनरेट करता है जिसकी वेवलेंथ गिवन है। देखो अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है एसटीपी पे, यानी कि 273 केल्विन पे, तो आप वहां से वेलोसिटी निकाल सकते हो वी इज न्यू लैम्डा से। तो टू सताइस नहीं होता, 273 नहीं है, टू सेवेंटी थ्री केल्विन में है, हाँ तो प्रॉस 273 केल्विन हुआ, तो 273 केल्विन है, तो उसके ऊपर आपने पहले वेलोसिटी निकाल ली। अब वो क्या कह रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा, 300 केल्विन कर दूंगा, तो वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा। तो चलो पुरानी वेवलेंथ तो पता है, नई वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो नई वेवलेंथ कैसे निकलेगी,
तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, तो 273 पे वेलोसिटी कितनी है, 330 है, निकाल ली, 300 पे वेलोसिटी वी है, अब वी क्या है, न्यू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होती, चाहे टेम्परेचर चेंज कर दो, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली ही यूज़ कर देनी है तो नया लैम्डा आ जाएगा, नया लैम्डा आ गया, पुराना लैम्डा पता है, दोनों को माइनस करके चेंज इन वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, जैसे ये देखो, तो क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 एट एसटीपी, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन हाइड्रोजन एट एसटीपी इफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 1/16 दैट ऑफ एयर। तो यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी, तो हाइड्रोजन और एयर, तो आपको डेंसिटी की रेशियो गिवन है, यहां से आंसर कैन बी कैलकुलेटेड, एयर में डेंसिटी 332 होती है, 332। तो गामा आर टी बाई एम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, गामा आर टी बाई एम सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर दो वेव्स का मिलना और नई वेव का जनरेट होना, स्टार्ट ये कहां से, वेव की इक्वेशन के साथ। वेव की इक्वेशन याद करो, ए साइन 2π बाय लैम्डा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये लिखो, और के का मतलब लिखो ओमेगा बाय वी या 2π बाय लैम्डा, कुछ भी, तो ये फॉर्मूला है। तो वेव की इक्वेशन है ए साइन 2π बाय लैम्डा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और के का मतलब यहां पर ओमेगा अपॉन वी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक तो ये वेव की इक्वेशन है, इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये भी वेव की इक्वेशन है, ये भी वेव की इक्वेशन है, ये भी लिख सकते हो, तो उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। तो ए साइन 2π बाय लैम्डा इनटू वीटी माइनस एक्स, वैसे ज्यादातर मैं ओमेगा टी माइनस के एक्स यूज करूंगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला, और वेव की इक्वेशन तो नॉर्मली गिवन ही होती है पेपर में, तो कई बार वेव की इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस के एक्स के पीछे कोई एंगल गिवन होता है, उसका मतलब इनिशियल फेस, यानी कि वेव अपनी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुई, कहीं ऊपर नीचे से स्टार्ट नहीं हुई है। ये फॉर्मूला वेव ऑप्टिक्स में भी काफी यूज किया, फेज डिफरेंस इज 2π बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, इसके अंदर भी यूज होता रहेगा ये। ठीक, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन है इंटरफेरेंस, दो वेव्स का मिलना और इंटरफेयर करना, ये हम नॉर्मली प्लस टू के अंदर किया करते हैं, हमने वेव की इंटरफेरेंस प्लस टू में की है। सेकेंड है स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, और तीसरी है बीट्स। तो आज हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग वेव, लेकिन उससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या ट्रिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में अगर ये स्ट्रिंग है और ये एंड फिक्स्ड है, ठीक है, ये वाला एंड फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता, तो अगर क्रेस्ट आएगा तो ट्रफ वापस होके जाएगा रिफ्लेक्ट होके, याद रखना है। और वैसे ही अगर मान लो क्रेस्ट आएगा तो क्रेस्ट का क्रेस्ट ही वापस आएगा, अगर ये एंड फ्री टू मूव है तब, दो रिजल्ट याद रखने हैं। ठीक, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स के अंदर हम क्या करेंगे, तीन जगह स्टैंडिंग वेव बनेंगी, पहली स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड, एक गिटार की स्ट्रिंग के अंदर बनाएंगे स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड, दूसरा पाइप ओपन एट वन एंड क्लोज्ड एट अनदर एंड, और तीसरा पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। इसमें स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है ये डिस्कस करेंगे। तो पहले गिटार की स्ट्रिंग लेते हैं, टाइट स्ट्रिंग लेते हैं, तो स्ट्रिंग टाइड एट बोथ द एंड्स। तो स्ट्रिंग टाइड एट बोथ द एंड्स करने से पहले अगर कोई वेव लेफ्ट से राइट जा रही है तो यहां पर यूज करते हैं वीटी माइनस एक्स, और अगर राइट से लेफ्ट आ रही है तो हम यूज करते हैं वीटी प्लस एक्स। अगर माइनस यूज हो रहा है तो लेफ्ट से राइट है, और अगर राइट से लेफ्ट आ रही है तो प्लस यूज होगा। क्या पॉइंट क्लियर है? तो ये जाने वाली वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये सुपर इम्पोज होंगी, करना नहीं है। तो एक नई वेव की इक्वेशन आएगी, ये करना है, ये मार्क कर लें, नई वेव की इक्वेशन जो है वो इसके इक्वल है। तो इसके अंदर ये जो टर्म है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इसको मार्क कर लें, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो नई वेव का आएगा वो इसके ऊपर, एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड,
अलग अलग एक्स की वैल्यू पे अलग अलग एम्पलीट्यूड आएगा, ठीक। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इसके अंदर अब क्या करना है, आपने डायग्राम याद करना है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, पहली बार स्टैंडिंग वेव इसमें जब बनी तो वो देखने में ऐसी थी, कॉर्नर पॉइंट फिक्स्ड है स्ट्रिंग के, तो ये मूव नहीं कर सकते, तो इन पॉइंट्स को बोलते हैं नो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स। नो डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट फॉर्म क्या नाम दिया गया, नोड्स, नो डिस्प्लेसमेंट नोड्स, और जिसमें डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम उसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स, नोड्स एंटी नोड। ये पहला डायग्राम आपने याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है काउंट करके बताओ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितने नोड्स हैं, कितने एंटी नोड्स हैं। दूसरे डायग्राम में आपने क्या करना है, दो लूप्स बनेंगी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में, इसमें एक लूप बनती है, एक लूप का जो लेंथ होती है वो हमेशा याद रखना लैम्डा बाई टू होती है, और लैम्डा बाई टू क्या होगा, लैम्डा। तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में कॉर्नर पे नोड्स ही हैं, दो लूप्स बनेंगी। नेक्स्ट है थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में तीन लूप्स बनेंगी, कॉर्नर पे नोड्स ही बनेंगे। फोर्थ में चार लूप्स बनेंगी एंड सो ऑन। फॉर्मूले अभी नहीं लिखने, बाद में लिखवाऊंगा। ये क्लियर, डायग्राम क्लियर है। ठीक है यहाँ तक? तो अब है आपके पास एक पाइप, ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अनदर एंड। इसमें भी सुपर पोजिशन करने के बाद जो वेव की इक्वेशन है रिजल्टेंट, वो भी सेम आती है जो पहले वाले केस में आती है, तो सेम है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी इसका सेम है। डायग्राम में बस फर्क ये है कि डायग्राम के अंदर एक फिक्स्ड एंड है, क्लोज्ड एंड है, एक ओपन है। क्लोज में बनेगा नोड और ओपन में क्या बनेगा, एंटी नोड। तो ये डायग्राम बनेगा, क्लियर है? ये पहला डायग्राम है। दूसरा डायग्राम, एक लूप एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो यहां पर नोड है और वहां पर एंटी नोड है, ठीक, दूसरा डायग्राम। तीसरे डायग्राम में थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में दो लूप्स, मतलब पहले वाले डायग्राम में सिर्फ ये आधी से आधी लूप लैम्डा बाय फोर, दूसरे में एक लूप एक्स्ट्रा, तीसरे में दो लूप एक्स्ट्रा, नेक्स्ट में तीन लूप एक्स्ट्रा, ऐसे, ठीक, लैम्डा बाय फोर, क्योंकि एक लूप का मतलब लैम्डा बाय टू होता है और ये आधी से आधी लूप है, एक लूप का आधा है लैम्डा बाय फोर। नेक्स्ट है पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स, जब दोनों एंड्स ओपन है तो रिजल्टेंट वेव ये बनेगी, इस बार ये साइन हो जाएगा और ये कॉस, उसमें क्या था, ये साइन और ये कॉस। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है आपने, इसका डायग्राम, क्योंकि दोनों एंड्स ओपन है तो दोनों एंड्स पर क्या जनरेट होंगे, एंटी नोड्स, तो एंटी नोड्स, बीच में नोड। नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में कॉर्नर्स पे एंटी नोड, एक लूप एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट में दो लूप्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, कॉर्नर पे डायग्राम ऐसे रहेगा जहां पर एंटी नोड रहेगा। तो डायग्राम्स क्लियर है सबके, अगर काउंट करने को आ जाएगा तो सीधा डायग्राम ही बना के आप प्लॉट कर सकते हो कितने नोड्स कितने एंटी नोड्स। अब इसके फॉर्मूलास मैंने टेबल में लिखे हुए हैं, हमने क्योंकि इसमें तीन केस किए, स्ट्रिंग टाइड एट बोथ दी एंड, पाइप ओपन एट वन एंड, पाइप क्लोज ओपन एट बोथ दी एंड्स, ये मोड ऑफ वाइब्रेशन है 1 2 3 4। तो इसके अंदर जो फंडामेंटल पहली फ्रीक्वेंसी आती है उसका फॉर्मूला याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, V/2L। पाइप क्लोज एट वन एंड ओपन एट अदर एंड में फॉर्मूला आएगा V/4L, और इसके अंदर क्या होगा, V/2L। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज क्लियर है यहां तक? जो स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड है उसमें फर्स्ट मोड में फ्रीक्वेंसी ये रही, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ही फंडामेंटल है, थर्ड में 3 टाइम फंडामेंटल है, फोर्थ में 4 टाइम फंडामेंटल है, और एंड में एन टाइम फंडामेंटल है। जो पाइप ओपन एट वन एंड क्लोज एट अदर एंड में पहली फंडामेंटल है, दूसरी 3 टाइम फंडामेंटल है, सेकेंड मोड में 3 टाइम फंडामेंटल है, थर्ड मोड में 5 टाइम फंडामेंटल है, फोर्थ मोड में 7 टाइम फंडामेंटल है, तो इसमें सारे ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 2n-1। ठीक, नेक्स्ट है
पाइप ओपन एट बोथ द एंड में फंडामेंटल है, सेकंड में 2 इंटू फंडामेंटल है, 3 इंटू फंडामेंटल, 4 इंटू और एंड इंटू। क्लियर हो गया, फॉर्मूलाज क्लियर हो गए। नेक्स्ट, जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं, ये जिसमें रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज हैं ये सारी, हर फ्रीक्वेंसी पर आवाजें निकलती इसमें, या हर फ्रीक्वेंसी पे स्टैंडिंग वेव नहीं बनती, सिर्फ इन इन फ्रीक्वेंसी पे ही स्टैंडिंग वेव बनती है। तो इन इन फ्रीक्वेंसी पे अगर स्टैंडिंग वेव बनती है, जो पहली फ्रीक्वेंसी जिस पे स्टैंडिंग वेव बनती है उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा जो भी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, न्यू टू, न्यू थ्री, न्यू फोर, न्यू फाइव एंड न्यू एन, उनको बोलते हैं ओवरटोन्स। तो पहली फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल है, बाकी ओवरटोन्स हैं। तो इसलिए ओवरटोन की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट नहीं है, ये ओवरटोन ही है, ये फंडामेंटल है। तो एक चीज याद कर सकते हैं इसमें, वो क्या, कि अगर फर्स्ट जो n = 1 का केस है तो इसमें 1 माइनस कर दो ओवरटोन आ जाएगा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में n = 2 है, 1 माइनस कर दो तो ओवरटोन आ जाएगा। उल्टा भी ट्रू है, ओवरटोन में 1 ऐड कर दो तो मोड ऑफ वाइब्रेशन आ जाएगा। तो ये नंबरिंग याद करनी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेकंड ओवरटोन का केस सॉल्व करो। अब सेकंड ओवरटोन में ये देखना पड़ेगा थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि न्यू वन का जो मल्टीपल है, न्यू वन का जो आगे कोफिशियंट है उसको हार्मोनिक बोलते हैं, दैट इज मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज हार्मोनिक। कैसे, तो ये जैसे सेकंड हार्मोनिक है, इसका कोफिशियंट तो 1 है, तो फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, फोर्थ हार्मोनिक है, nth हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है, सेवंथ हार्मोनिक है, तो इसमें ऑड हार्मोनिक्स हैं, इवन हार्मोनिक है ही नहीं। ऐसे इसमें सारे हार्मोनिक्स हैं, 1b, 2b, 3b एंड सो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो इसके बेस पे ठीक है, अभी कर दूंगा। तो जितना काम हमने अभी तक किया इसके बेस पे दो चीजें और करते हैं। एक, कि जब भी कोई वेव जनरेट होती है तो उसका पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करता है और वेव तो सीधी निकल जाती है, तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट पर वाई इसके इक्वल है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी, और डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन आएगी। इस टॉपिक को करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पार्टिकल SHM के अंदर होता है, तो SHM के फॉर्मूलाज ही एप्लीकेबल है। और एक और रिजल्ट है इसमें, कि अगर कोई वेव जनरेट हो गई और कोई एक पार्टिकल यहाँ पर है, मान लो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने की कोई वेलोसिटी होगी इसकी, या नीचे आने की कोई वेलोसिटी होगी इस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर जो भी वेलोसिटी होगी, और अगर आप इस यहाँ पर एक स्लोप ड्रॉ करें, इसमें टेंजेंट ड्रॉ करें, तो एंड रिजल्ट करेंगे कि जो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व है dy/dx, तो स्लोप आएगी उस इंस्टेंट पर वो -1/vv का मतलब साउंड जो वेव की स्पीड आगे जाने की इनटू पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो कभी एक ऑब्जेक्टिव में अगर कोई रिजल्ट यूज हो जाए कि ग्राफ दे दे, पार्टिकल की वेलोसिटी दे दे, वी दे दे, तो स्लोप पूछ ले। या ऐसा हो सकता है स्लोप आप ग्राफ से निकालने को कह दे, स्लोप नॉर्मली ग्राफ से निकालने को कहते हैं, और वी आपको साउंड की स्पीड गिवन होगी, आपसे पार्टिकल की स्पीड पूछ लेगा, तो ये रिजल्ट आपके वहां हेल्प करेगा, ठीक। तो इसके बाद जितना भी हमने अभी थ्योरी में काम किया, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वेव की इक्वेशंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वेव की इक्वेशन हमने क्या याद की अभी, y = a sin ωt − kx। तो ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी फॉर टाइम, के फॉर एंगुलर वेव नंबर, एक्स फॉर पोजीशन, और फाई नॉट इज इनिशियल फेस। तो ये गिवन है, एक वेव जब जनरेट होती है तो टाइम पीरियड कैपिटल टी है और एंगल कितना कवर्ड है, 2π। तो ऐसे केस में कैपिटल टी स्टैंड फॉर 2π, 1 का मतलब 2π बाय कैपिटल टी, और मान लो 3 सेकंड में कितना फेज जनरेट हुआ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो डेल्टा टी में कितना जनरेट हुआ, तो ये फेज डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा। तो अब टाइम से फेज डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड, याद करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कर लिया, फेज डिफरेंस इज 2π/λ × पाथ डिफरेंस, हमने ऑप्टिक्स में किया हुआ है। तो अगर आपको वेव की इक्वेशन ऐसी गिवन है और आपको इसमें सब कुछ निकालना है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा, सब निकालना है, वेव की वेलोसिटी निकालनी है, तो आप अपनी इक्वेशन इसके नीचे लिखो और कंपेयर करो। अपनी इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस के एक्स यूज करें या ओमेगा टी प्लस के एक्स यूज करें, ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन देखनी पड़ेगी। अगर ये ओमेगा टी प्लस के एक्स यूज कर रहा है तो यहाँ प्लस ही यूज करें, माइनस है तो माइनस ही यूज करें, के नेगेटिव नहीं होगा याद रखना। कई बार यहाँ प्लस से आप याद करके माइनस लिख दोगे तो के नेगेटिव आ जाएगा, नहीं के नेगेटिव नहीं होगा कभी भी,
गलती से हो भी गया तो के पॉजिटिव ही लेना। कंपेयर करो, एम्पलीट्यूड 10 की पावर माइनस 6 है, ओमेगा की वैल्यू इसमें 100 है और के इसमें कितना है 20, और इनिशियल फेस इसमें पाई बाय 4, क्योंकि आपने इसमें के निकाल दिया, ओमेगा निकाल दिया, तो वी क्या होता है, ओमेगा बाय के, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक, कंपैरिजन से आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें पूरे ब्रैकेट के आगे 2 पाई लगा हुआ है, तो पहले काम करना है 2 पाई को इससे मल्टीप्लाई कर देना है ओपन, फिर कंपेयर करना है ओमेगा टी माइनस kx, तो क्या आ जाएगा ओमेगा, क्या आ जाएगा ये k, ये क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड, निकाल लेना आगे जो निकालना है फिर। ठीक, ये देखो मेंस में भी प्रॉब्लम है, ये
देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम t इक्वल टू जीरो पे y का ये फंक्शन गिवन है, आपको ना ऑब्जेक्टिव में गिवन होगा कि वेव जैसे लेफ्ट से राइट जा रही है और वेव की वेलोसिटी v की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 5। तो आपको ना करेक्ट ऑप्शन मार्क करना होगा कि क्या करेक्ट ऑप्शन है वेव की इक्वेशन का। कई ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको ये पता है कि जो वेव की इक्वेशन है y इक्वल टू 2a sin 2π/λ(vt−x) या vt+x इस फॉर्म में होती है। तो जो x है वो अकेला इसलिए है क्योंकि टाइम यहाँ पर जीरो है, तो यानी कि मेरे को ऑप्शन हिट एंड ट्रायल से मैच करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर गिवन होगा x+vt या x−vt इस फॉर्म में। x+vt इसलिए नहीं होगा, अगर प्लस है तो राइट टू लेफ्ट वेव जाती है, पर इसने कहा वेव लेफ्ट से राइट जा रही है, तो x−vt का ऑप्शन v आपको गिवन है, ऐसा ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। तो आपको ऑप्शन देख के मार्क करना पड़ेगा, इसमें और कोई तरीका नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये वेव पल्स गिवन है, आपको वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी है। तो जब ये क्वेश्चन गिवन है तो आप इसको ना थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ये a²b²-2ab लग रहा है, तो देखो ये √at − √bx² है, ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ऐसा बना लोगे तो बस ये ओमेगा टी हो जाएगा और ये ax, तो कंपेयर करके ओमेगा आ गया और कंपेयर करके के भी आ गया, तो सॉल्व करके वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। तो पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा, और ये जरूरी नहीं कि साइन कॉस में आएगा, किसी भी फॉर्म में वेव पल्स आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब इसके अंदर भी देखो आपने क्या लेना कि एक्सपोनेंशियल वेव से क्या फर्क पड़ता है, तो ये स्मॉल टी के साथ क्या कंपेयर करेंगे ओमेगा टी, और इसके साथ क्या कंपेयर करेंगे एक्स टर्म के साथ kx। तो कंपेयर करके k क्या आएगा 1/λ, और कंपेयर करके ओमेगा क्या आएगा 1/T, यहां से वेलोसिटी आएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, कंपैरिजन तो सिंपल है। अगर वेव की दो इक्वेशंस गिवन है, एम्पलीट्यूड निकालना है, तो इसका तो गिवन है 10, तो हमने ये SHM और वेव ऑप्टिक्स में भी किया, साइन और कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट आंसर। फिर अगर आपको एम्पलीट्यूड गिवन है ऐसा, और उसने बोला कि रेजोनेंस हो गई, रेजोनेंस का मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो जाना, इन्फिनिटी तब होगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा, जीरो, तो ऑप्शन ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको पेपर में। ठीक, ये फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वो होती है जिसका एक एंड बंद है और एक एंड ओपन है, दोनों एंड बंद की कोई पाइप नहीं होती। तो एक एंड बंद एक एंड ओपन फंडामेंटल 50 है। आपको क्या बताना है, सेकेंड ओवरटोन, देखो सेकेंड ओवरटोन क्या होता है, ओवरटोन में 1 ऐड कर दो तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, पहली फ्रीक्वेंसी ν₁ है, दूसरी 3 × ν₁ है, नेक्स्ट 5 × ν₁ है। तो सीधा अप्लाई करो, फंडामेंटल क्वेश्चन में कितने की बने 50, तो 5 × 50 सीधा 250 आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड एट वन एंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोड इज 50, फ्रीक्वेंसी 50 गिवन है, तो नोट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज नॉट एमिटेड। देखो एक एंड क्लोज्ड एक एंड ओपन है, तो पहली फ्रीक्वेंसी अगर 50 है तो दूसरी 3 × 50 है, नेक्स्ट 5 × 50 है, तो 100 तो वैसे नहीं हो सकती, इवन नहीं होगी। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू विच ओवरटोन। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में थर्ड हार्मोनिक देख लें, थर्ड हार्मोनिक क्या होता है 3 × फंडामेंटल, ये होती है थर्ड हार्मोनिक। और ये कब आता है, पहली फ्रीक्वेंसी f₁ है n=1 पे, फिर दूसरा ही n=2 पे रिजल्ट आता है। n=2 का मतलब कौन सा ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन है, ये फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड नहीं है। ठीक, नेक्स्ट,
फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस बाय क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज अ फ्रीक्वेंसी एफ. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वी बाय 4LF है. कह रहे ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओपन पाइप वी बाय 2L है, तो वी बाय एल की रेशियो यहां से यहां पुट करके आंसर 2F. एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ दी एंड है, तो ये ओपन एट बोथ दी एंड है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 256 है. तो अगर कोई ट्यूब ओपन एट बोथ एंड है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती क्या है? वी बाय 2L. तो वी बाय 2L आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपने इस ट्यूब को आधा पानी में डुबो दिया. जब आधा पानी में डुबो दिया ये रहा, तो लेंथ कितनी रह गई हवा में? हाफ. अब ये पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है, ओपन एट अनदर एंड है, तो फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या लगेगा? वी बाय 4L, एल नहीं, एल बाय 2. तो सॉल्व करिए वापस से वी बाय 2L आ जाएगा, लेकिन वी बाय 2L कितना है? 2. आंसर फिर से 256. ठीक. नेक्स्ट है, एक स्ट्रिंग है इन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर लंबी है, L गिवन है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 800 है. अगर फ्रीक्वेंसी 1000 हो जाए तो लेंथ क्या होगी? तो लगाओ फॉर्मूला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का स्ट्रिंग के अंदर, 1 बाई 2L रूट टी बाई म्यू. तो एक बार फ्रीक्वेंसी 800 है, एक बार 1000 है, तो लेंथ L है और L डैश है. सॉल्व करके L डैश कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है यहां तक?
पायर ऑफ लीनियर मास डेंसिटी गिवन है। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। टेंशन आपको टी गिवन है, इसमें 1 मीटर अपार्ट लेंथ भी गिवन है। द वायर पासेज एट इट्स मिड पॉइंट, वायर मिड पॉइंट में पास कर रही है और पोल, देखो क्या जबरदस्त सिचुएशन बना रहा है कुछ नहीं क्वेश्चन में, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है, एक खिंची हुई रस्सी के अंदर मास पर यूनिट लेंथ भी दे रहा है, टेंशन भी दे रहा है, लेंथ भी दे रहा है, और वो कह रहे हैं परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में ये वायर पास कर रही है एंड इट वाइब्रेट्स इन रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है किसके साथ? करंट कैरिंग ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ, ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी के साथ स्ट्रेच स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। तो कह रहे एसी करंट की फ्रीक्वेंसी बताओ, तो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी स्ट्रेच स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी है, तो तुम स्ट्रेच स्ट्रिंग की फंडामेंटल निकाल दो, आंसर आ जाएगा डन। ये तो घुमा रहा है, एसी यूसी कुछ नहीं है इसमें, बस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी ही अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है, डन खत्म। नेक्स्ट है सोनोमीटर, अगर यूज हो जाए ना वर्ड सोनोमीटर, तो सोनोमीटर कुछ नहीं है, स्ट्रेच स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है। सोनोमीटर में कुछ नहीं करना, एक खिंची हुई रस्सी होती है और नीचे मास टंगा होता है एमजी, ताकि टेंशन प्रोड्यूस की जा सके इसमें। तो ये सोनोमीटर स्ट्रेच स्ट्रिंग है, तो आपको लेंथ गिवन है और स्ट्रेस गिवन है, बाकी न्यूमेरिकल वही है जो आज हमने किया था। स्ट्रेस को एरिया की फॉर्म में निकाल लो, एम को एरिया की फॉर्म में निकाल लो, आज हमने किया था, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन है, स्ट्रेच्ड वायर एमिट्स अ फंडामेंटल नोड ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज, कीपिंग स्ट्रेचिंग फोर्स कांस्टेंट एंड रिड्यूसिंग लेंथ ऑफ द वायर बाय 10 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी बिकम 320 हर्ट्ज ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। तो दो केस बना रहा है, लेंथ एल है, फ्रीक्वेंसी 256 है, लेंथ 10 कम कर दो, फ्रीक्वेंसी 320 है, डिवाइड करके एल निकाल लो, सिंपल। इसे देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट इट वॉज फाउंड दैट द स्ट्रिंग वाइब्रेटेड इन 3 लूप्स जब 8 ग्राम वर प्लेस्ड ऑन द स्केल पैन।
वॉट मास मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द पैन टू मेक स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 6 लूप्स। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या होता है फंडामेंटल का, 1/2L√T/M, जिसमें एक लूप होती है फंडामेंटल में स्ट्रेच स्ट्रिंग में। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में दो लूप्स होती हैं, पी एनथ केस में एन लूप्स होती हैं और पीएथ केस में पी लूप्स होती हैं, पी नंबर ऑफ लूप्स। तो आपको क्वेश्चन में क्या वो क्या चीज चेंज करने को कह रहा है, टेंशन मास, टेंशन चेंज करती है और नंबर ऑफ लूप्स। तो स्क्वेयरिंग करके यहाँ से T इंटू पी स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट, तो आपको टी टेंशन निकालनी है दूसरे केस में, पहले केस में टेंशन पता है और लूप्स भी आपको दोनों केस में पता है आंसर, ठीक। अगर मेजर टोन आ जाए, मेजर टोन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी 9/8 टाइम्स फंडामेंटल। ये है रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब है कि एक पाइप है क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, तो नीचे पानी होता है और ऊपर बेसिकली क्या होता है एयर का कॉलम होता है। तो लैब का एक्सपेरिमेंट है, पहले पानी पूरे ऊपर तक होता है, एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं इसके ऊपर रख देते हैं, वो साउंड वाइब्रेशन जनरेट करता है, हर फ्रिक्वेंसी पे हर वक्त स्टैंडिंग में जनरेट नहीं होती। अब पानी को नीचे 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 करते जाते हो, एक ऐसी लेंथ आती है जब पहली स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है, आप ये उसमें आवाज गूंजती है एकदम, ट्यूनिंग फोक की जो आवाज़ है वो गूंजेगी, फ्रीक्वेंसी लाउड हो जाएगी साउंड। तो आप लेंथ नोट कर लेना L1, यानी कि पता लग जाएगा इसमें फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। फिर पानी को और नीचे नीचे गिरते हो, आवाज़ फिर गूंजेगी, तो ये नोट कर लेना, यहाँ पर L2 आ जाएगा। तो आप L2 और L1 जब आपको पता है कि ये सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन आएगा, तो सेकेंड और फर्स्ट मोड में क्या डिफरेंस है, एक लूप का डिफरेंस है। एक लूप का मतलब क्या होता है λ/2, तो यहाँ से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो लैब के अंदर, लेंथ मेजर करके आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है v/λ। तो लैब का एक्सपेरिमेंट को रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसमें इस फॉर्मूले को यूज करके अपना आंसर निकालते हो। वैसे फ्रीक्वेंसी ये लैब का तरीका है, वैसे फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है फंडामेंटल कैसे निकलती है v/4L, तो हमने थ्योरी में की हुई है, ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद एक ये केस भी आता है एंड करेक्शन। इसमें क्या आता है कि नॉर्मली जब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बनता है, जो आखिरी का जो एंटी नोड है वो बिल्कुल सिलेंडर के टॉप पॉइंट पे, हमने थ्योरी में लिया कि यहाँ पे बनता है, हमने थ्योरी में लिया कि जो सिलेंडर है वो यहाँ तक है, यहाँ तक है सिलेंडर, तो एंटी नोड यहाँ बनता है, ठीक है, एंटी नोड यहाँ बनता है। पर इसमें क्या है, एक्चुअल में रियलिटी में एंटी नोड थोड़ा बाहर बनता है। कितना बाहर बनता है, 0.3 टाइम डायमीटर ऑफ द ट्यूब। तो यानी कि टोटल लंबाई L1 नहीं ली जाएगी, L1 प्लस क्या ली जाएगी 0.3D। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वैसे होती है v/4L, और यहां पर क्या हो जाएगी v/4L1 प्लस 0.3D। इसे बोलते हैं एंड करेक्शन, याद रखना ये फॉर्मूला, D फॉर डायमीटर ऑफ द पाइप। तो अब इस केस में अगर मान लो दोनों एंड्स ओपन है, एक एंड ओपन है, तो ये फॉर्मूला दोनों एंड्स ओपन है, तो दोनों एंड्स ओपन में आपकी एंड करेक्शन उसमें भी होती है, उसमें क्या होता है ऊपर भी एंड करेक्शन है और नीचे भी एंड करेक्शन है, दोनों ऐड करनी पड़ती है, 0.3D ऊपर 0.3D नीचे, टोटल लंबाई 0.6D हो जाती है। तो इसके अंदर एंड करेक्शन निकालने का एक और भी तरीका है, L2 L1 जो आप मेजर करते हो उससे भी एंड करेक्शन निकलती है, फॉर्मूला याद करना है आपने। एंड करेक्शन या तो 0.3D होती है और L2 L1 की फॉर्म में ये होती है, ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे। फाइंड द पॉसिबल हार्मोनिक्स इन द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ अ रॉड क्लैम्प्ड इन अ मिडल। वो कह रहे एक रॉड है, मिडल पे क्लैम्प्ड है, क्लैम्प का मतलब होता है फिक्स पॉइंट और एंड का मतलब है ओपन पॉइंट। तो पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन इसमें डायग्राम क्या बनेगा, एंटी नोड 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 एंटी नोड, ये पहला डायग्राम है। फिर दूसरा डायग्राम क्या बनेगा, एक एक लूप लेफ्ट में और राइट में ऐड कर देंगे ताकि कॉर्नर में नोड रहे और इस कॉर्नर में एंटी नोड रहे। तो पहले वाले केस में ये λ/4 है, ये λ/4 है, तो L की वैल्यू क्या होगी λ/2।
तो लैम्डा वन आ गया, यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, केस नंबर वन। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में जो टोटल लेंथ है वो क्या होगी, ये लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, थ्री बाई टू लैम्डा आएगा। तो लैम्डा टू आ गया, सॉल्व करके न्यू टू आ गया। अब न्यू टू और न्यू वन को डिवाइड करोगे तो न्यू टू थ्री इंटू न्यू वन आएगा। एक और डायग्राम अगर नेक्स्ट बनेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, फाइव इंटू न्यू वन आएगी। तो क्वेश्चन पूछ रहे कि हार्मोनिक्स क्या है, हार्मोनिक्स का मतलब मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो पहली फ्रीक्वेंसी अगर वन है तो दूसरी थ्री इंटू न्यू वन है, तीसरी फाइव इंटू न्यू वन है, तो रेशियो क्या बनेगी, वन थ्री फाइव सेवन एंड सो ऑन। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट बीट्स मेडिकल में पक्का आएगी, नॉन मेडिकल में भी आ सकती है, वेव में एक ही क्वेश्चन आना है, दो भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बीट्स, बीट्स क्या है, जब दो वेव्स नियरली सेम फ्रीक्वेंसी की न्यू वन न्यू टू सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो एम्पलीट्यूड वेव दोनों का जब मिलाते हैं दोनों वेव्स को, तो एम्पलीट्यूड कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो हो जाता है, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, इसको बीट्स बोलते हैं। तो आपने क्या याद करना है, आपने सिंपली ये याद करना है कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू वन और न्यू टू है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देना है, बस ये याद रखना है, न्यू वन माइनस न्यू टू या न्यू टू माइनस बड़े में से छोटा माइनस कर दो। तो बीट होती क्या है, एक बार एम्पलीट्यूड का क्या होना मैक्सिमम और एक बार मिनिमम। तो दो, जब दो वेव मिलती हैं एम्पलीट्यूड हाई और लो जाता है, हाई और लो के कॉम्बिनेशन को एक बीट बोलते हैं। तो जैसे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 50 है और दूसरी 40 है तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या है 10, तो यानी कि 10 बीट जनरेट होंगी पर सेकेंड, यानी कि 10 मैक्सिमा होंगे उसमें और 10 मिनिमा होंगे, इसका मतलब ये है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है बीट्स को लेके पॉइंट। पहला पॉइंट, अगर ट्यूनिंग फोक के जो प्रॉन्ग्स हैं वो फाइल्ड हैं, फाइल्ड उसको हमने पतला किया हुआ है, तो वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और अगर लोडेड विद वैक्स हैं, वैक्स लगा दिया उसके ऊपर, तो वो ठीक तरह मूव नहीं कर पाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कब होगी ये पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, the points of prongs of tuning fork B is in unison, unison का मतलब same frequency with A of frequency 384. तो पहले B और A की frequency same थी 384. अब वो कह रहे B को हमने file कर दिया तो B की frequency बढ़ जाएगी और file करने पे तीन beats produce होंगी per second. तो पहले number of beats zero थी क्योंकि दोनों की frequency same थी, अब नंबर ऑफ बीट्स तीन हो गई, तो आपको क्या बताना है बी की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ए की फ्रीक्वेंसी 384 है, पहले बी की भी 384 थी, फाइल करने पे या नंबर ऑफ बीट्स बाद में कितनी जनरेट हुई, तीन। तो तीन का मतलब या तो बी की फ्रीक्वेंसी 387 है या 381 है, क्योंकि डिफरेंस इस 387 के साथ भी तीन है, 381 के साथ भी तीन है, पर हम कौन सी मार्क करेंगे 387। फाइलिंग से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है,
और अगर यहां पर वैक्स लगाया होता तो आंसर क्या होता, 381 कम होती है। समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन है, ट्यूनिंग फोक अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड विद वन फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 288 साइकल्स पर सेकंड। तो ट्यूनिंग फोक 4 बीट्स प्रोड्यूस करता है और एक फोक की फ्रीक्वेंसी गिवन है। लिटिल वैक्स इज प्लेस्ड ऑन द अननोन फोक, तो अननोन फोक के ऊपर वैक्स भी लगा दिया। जब वैक्स नहीं लगाया था तो 4 बीट्स हैं, वैक्स लगाने के बाद कितनी बीट्स हो गई, 2 रह गई। अननोन की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो पहले क्या हुआ, पहले नोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 288, 4 बीट्स प्रोड्यूस करता था वो अननोन के साथ, तो अननोन की फ्रीक्वेंसी या तो 4 ज्यादा होगी या 4 कम होगी, दोनों का डिफरेंस 4 ही है, दोनों में से एक आंसर है। अननोन के ऊपर वैक्स लगाया, वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी गिरती है, चलो वैक्स लगा के देखते हैं। तो मान लो पहले आपने 292 पे वैक्स लगाया, तो हो सकता है फ्रीक्वेंसी 291 आ जाए, और वैक्स लगाओ 290, और वैक्स लगाओ 288, करते करते कम होती जाएगी, जितना वैक्स लगाओगे कम होगी। कभी एक ऐसा केस भी आएगा जब इनका डिफरेंस कितना रह जाएगा, 2, यानी कि आंसर हो सकता है। पर अगर आप इसके ऊपर वैक्स लगाते जाओगे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, आपका डिफरेंस कभी भी 2 नहीं आएगा, चेक कर लो 2 नहीं आएगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों में वैक्स लगा लगा के देखना है, जिसके साथ केस सेटिस्फाई हो गया वो आंसर है, ठीक। जैसे ये देख लो, एक ट्यूनिंग फोक है जिसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है, 4 बीट्स देता है विद ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 310, तो 310 के साथ 4 बीट्स हैं, तो अननोन की फ्रीक्वेंसी या तो 4 ज्यादा या 4 कम। इट गिव सेम नंबर ऑफ बीट्स ऑन फाइलिंग, फाइलिंग पे नंबर ऑफ बीट्स सेम आ जाती हैं, कितनी, 4। अब फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो 4 डिफरेंस कभी नहीं आएगा, इसकी बढ़ाऊंगा कभी ना कभी 314 आ जाएगा, तो आंसर सेम, यानी कि दिस इज द आंसर, 306 इज द आंसर। तो समझ में आ रहा है कि फाइलिंग और वैक्स लगाने से क्या होता है, आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये बीट्स की प्रॉब्लम सारी एक जैसी हैं। ये देख लो, का मतलब ट्वाइस, डबल, तो इसमें सेट ऑफ 24 ट्यूनिंग फोक्स आर अरेंज्ड इन सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ईच फोक गिव 4 बीट्स पर सेकंड विद द प्रीसीडिंग वन, तो पहली फ्रीक्वेंसी न्यू है तो दूसरी न्यू प्लस 4 है, नेक्स्ट न्यू प्लस 8 है, नेक्स्ट न्यू प्लस 12 है, न्यू प्लस 16 है, करते 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 न्यू प्लस 23 × 4 हो जाएगा, चेक कर लो। तो पहली न्यू 1 है तो दूसरी 4 है, 2 × 4 है, 3 × 4, 23 × 4। जो आखिरी फ्रीक्वेंसी है वो ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट है, डबल ऑफ फर्स्ट है, तो दिस इज इक्वल टू 2 × न्यू 1, इक्वेट कर दो, न्यू 1 निकाल लेना, न्यू आ जाएगा आंसर, फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो ये बीट्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको थोड़ा आइडिया आपको देंगी इसमें क्या करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज हैं जो पता होने चाहिए आपको, वो हैं डॉपलर इफेक्ट,
डॉपलर्स इफेक्ट, देखो जो डॉपलर्स इफेक्ट है ना, प्योरली प्योरली फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है और कुछ भी नहीं है, बस जिसको फॉर्मूले आते हैं डॉपलर के कब क्या लगाना है उसका क्वेश्चन पक्का ठीक है, और कुछ करके जाओ ना जाओ वेव में डॉपलर इफेक्ट तो पक्का करके जाओ, ये तो स्कोरिंग है ही है। तो पहला रूल डॉपलर इफेक्ट में कि जब सोर्स क्या करेगा, मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, तो सोर्स सायरन बजता हुआ आ रहा है और लिसनर सुनने वाला रेस्ट पे है, तो फ्रिक्वेंसी क्या सुनाई देगी, पहला फॉर्मूला साउंड की स्पीड माइनस सोर्स की स्पीड इंटू एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है यहाँ तक, ये पहला फॉर्मूला है जब सोर्स पास आएगा। अगर सोर्स स्टेशनरी लिसनर से दूर जाएगा तो आप डिनोमिनेटर में वी माइनस वी एस की जगह वी प्लस वी एस यूज कर देंगे आंसर, राइट, क्लियर है। तो दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, अगर लिसनर पास आ रहा है, सुनने वाला पास आ रहा है और सायरन या सोर्स रेस्ट पे है, तो फॉर्मूला ये नोट करेंगे, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर या लिसनर है, ये स्पीड ऑफ साउंड है और ये ऑब्जर्वर पास आ रहा है, तो ये फॉर्मूला, और अगर ऑब्जर्वर दूर जाएगा तो यू नॉट के आगे क्या जाएगा, माइनस, ऑब्जर्वर की स्पीड नेगेटिव हो जाएगी, तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला, चार फॉर्मूलास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि अगर आपका सोर्स जो है वो पास आ रहा है और ऑब्जर्वर भी इसके पास आ रहे हैं, दोनों आमने सामने आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी का, ये फॉर्मूला, और अगर दोनों में से किसी ने भी अपनी डायरेक्शन को चेंज किया तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी वहां पर, नेगेटिव, उल्टा साइन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, अगर मान लो एक कार है और हॉर्न लगा हुआ है और उसके ऊपर फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट एक्चुअल, साउंड जाती है दीवार से टकरा के वापस आती है, तो फाइनल ड्राइवर क्या सुनेगा, ये फॉर्मूला सुनेगा, ये प्लीज नोट कर लें, क्या आता है पेपर में, तो स्पीड की, स्पीड ऑफ साउंड, सोर्स की स्पीड, सोर्स कार है यहाँ पर और लिसनर भी कार है यहाँ पे, सुनने वाला ड्राइवर भी कार में बैठा है, वही हॉर्न बजा रहा है और वही सुन भी रहा है, तो दोनों जगह यूएस यूएस आएगा, तो फॉर्मूला नोट करेंगे, ठीक है यहाँ तक। लाइट का डॉपलर इफेक्ट में अगर कोई स्टार या लाइट का सोर्स पास आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी दिखाई देगी पास आने पे, दूर जाने पे इतनी दिखाई देगी, दोनों फॉर्मूलास, ठीक है, पास आने पे और दूर जाने पे ये फॉर्मूलास नोट करने हैं। नेक्स्ट है, अगर मैं इन्हें कंबाइन कर लूं तो प्लस माइनस हो जाएगा, और ओपन कर लूं तो न्यू और न्यू डैश और न्यू नॉट का रिजल्ट से डेल्टा न्यू का फॉर्मूला आ जाएगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, वी बाय सी इंटू न्यू नॉट डेल्टा न्यू। नेक्स्ट है, इसको और मॉडिफाई करके डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला नोट करो, वी बाय सी इंटू लैम्डा नॉट, देखो मिलते जुलते फॉर्मूले हैं, वी बाय सी न्यू नॉट, वी बाय सी लैम्डा नॉट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल आता है इस पे। जो प्लस टू का डॉपलर इफेक्ट है ना, प्लस टू के अंदर भी एक मेंशन है, तो प्लस टू के डॉपलर इफेक्ट में यही फॉर्मूला यूज करता है ज्यादा वो, इसके ऊपर ये क्वेश्चन अभी बताऊंगा मैं। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, डेल्टा न्यू पॉजिटिव तो डेल्टा लैम्डा नेगेटिव, तो कलर नजर आएगा ब्लू, इसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, और अगर दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लैम्डा बढ़ जाएगा, तो कलर क्या नजर आएगा, रेड शिफ्ट। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तुमने कर रखी है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इस फॉर्मूला हमने किए हुए हैं, तो ये डॉपलर इफेक्ट हमने कर लिया, सेम फॉर्मूलाज है। हाँ, अगर कोई कार या ट्रेन सीधी जा रही है, सुनने वाला टेढ़ा खड़ा है, तो कार की स्पीड वी एस है या ट्रेन की स्पीड वी एस है, सोर्स है ये सायरन बजाती हुई जा रही है, सुनने वाला यहां खड़ा है, तो अपने सोर्स का कॉम्पोनेंट लेना है वी एस कॉस थीटा, तो आपको ऐसा अपीयर होगा कि लिसनर रेस्ट पे, ऑब्जर्वर रेस्ट पे और ये ट्रेन पास आ रही है, तो ये देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, जब सोर्स पास आता है, जब सोर्स पास आता है तो ये फॉर्मूला नोट करेंगे, एंगल पे ये लगेगा डॉपलर इफेक्ट, थीटा एंगल पे, ठीक है। अगर मान लो ट्रेन और ये ऑब्जर्वर 90 डिग्री में है, तो एंगल थीटा 90, तो कॉस 90 क्या है, जीरो, तो डॉपलर इफेक्ट नहीं लगता, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट, अगर कोई विसल वर्टिकल सर्कल में घूम रही है और डिटेक्टर काफी दूर है, तो उसको क्या फ्रीक्वेंसीज दिखाई देंगी, इसकी खुद की स्पीड वी एस है, वी एस सोर्स की स्पीड वी एस है, यहां पर पॉइंट नंबर टू और फोर पे डॉपलर नहीं लगेगा, क्योंकि 90 डिग्री पे ये वेलोसिटीज हैं, टू और फोर पे नहीं लगेगा, यहां लगेगा
ये वी एस है तो इसका कॉम्पोनेंट क्या है, वी एस कॉस थीटा, ये रहा ऐसा लग रहा है ये पास आ रहा है सोर्स, और इस केस में ये दूर जा रहा है, इस केस में यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा इसमें ये दूर जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। पर क्योंकि डिटेक्टर बहुत दूर होगा नॉर्मल इस टाइप के क्वेश्चन में तो एंगल थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो कॉस ऑफ छोटा एंगल इज टेकन एज वन, तो ऐसे फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज किए जाएंगे। ठीक, एक पुलिस वाला है और फ्रीक्वेंसी 150 है, सायरन बज रहा है, एक थीफ है दूर भाग रहा है, पुलिस के पीछे आ रही है 540 स्पीड के साथ, सामने लाउड स्पीकर है, वहां से भी आवाज आ रही है, यहां से भी आवाज आ रही है, थीफ को नंबर ऑफ बीट सुनाई देंगी, इधर की फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे नंबर ऑफ बीट्स, तो कितनी नंबर ऑफ बीट सुनाई दे रही है, ये क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, पहले पुलिस और थीफ को सॉल्व करते हैं। पुलिस थीफ के पीछे है तो ये सोर्स है, सायरन बजाता हुआ आ रहा है, और ये ऑब्जर्वर है, दोनों एक तरफ जा रहे हैं, और हमने फॉर्मूला क्या किया, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है, और अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो यू ओ क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना पहले जरूरी है, तो पहले आप ये फॉर्मूला लगा के फ्रीक्वेंसी निकाल लें, एक फ्रीक्वेंसी आ गई कि थीफ को क्या सुनाई देगी। अब थीफ और लाउड स्पीकर की बात करते हैं, तो लाउड स्पीकर सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो ये फॉर्मूला वी प्लस यू नॉट बाई वी इंटू, तो ये फॉर्मूला लगा के सेकंड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बीट्स क्या होंगी, दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस नंबर ऑफ बीट्स आ जाए, माइनस कर लेना। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट हमने कर लिया, सब रिपीट है कर लिया। ये क्वेश्चन है, देखो ये जो न्यूमेरिकल हमने अभी फॉर्मूला किया था उसके ऊपर ये क्वेश्चन कैसे आता है, अगर कोई येलो लाइट है जिसकी वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम है, एक्चुअल वेवलेंथ गिवन है, थोड़ी देर में वेवलेंथ आ गई 5900, तो माइनस करके क्या आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा आ गया। तो आपको इस क्वेश्चन में सोर्स की स्पीड निकालनी है, देखो डेल्टा लैम्डा निकाल दिया, लैम्डा नॉट 5500 वैसे ही गिवन है, स्पीड आपको लाइट की पता है तो यहां से वी कैन बी कैलकुलेटेड दिया जाए। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर डॉपलर इफेक्ट आ गया था मेंस में एक बार क्वेश्चन। नॉर्मली क्या होता है, जो वी है ऊपर वाले फॉर्मूलाज में जो वी है वो बहुत बड़ा नहीं है, पर अगर वी मान लो 0.5 सी है, मतलब वेलोसिटी नॉर्मल डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में जो स्पीड ऑफ सोर्स है वो छोटी होती है, पर अगर मान लो वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है 0.5 सी, 0.7 सी, तो फॉर्मूला ऊपर वाले नहीं चलते, ये चलेंगे पास आने में ये, दूर जाने में ये, फॉर्मूला नोट कर लो, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रूफ है, हम ये प्रूफ नहीं करेंगे इसका, फॉर्मूला नोट कर लो बस। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल रेस्ट से स्टार्ट होता है और एक्सेलरेट करता है विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोटरसाइकिल देयर इज अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक सायरन। तो मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है, पीछे सायरन पड़ा हुआ है, यहीं पड़ा हुआ है, वो रेस्ट से स्टार्ट होकर एक्सेलरेट करता है, स्पीड बढ़ाता है, थोड़ी देर बाद उसकी फ्रीक्वेंसी 94% रह जाती है, दूर जाने में फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, 94% होगी, तो बताओ ऐसे केस में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो क्योंकि ऑब्जर्वर मोटरसाइकिल वाला दूर जा रहा है तो ये फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी 94% है तो ये फॉर्मूला, सॉल्व करके ऑब्जर्वर ने अपनी स्पीड निकाल दी। तो उस इंस्टेंट पर ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी, 98.8, और शुरू कहाँ से हुआ था, रेस्ट से, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as में एक्सेलरेशन गिवन है, यहाँ से एस कैन बी कैलकुलेट, ऐसा जाएगा। ठीक, तो जैसे ये देखो,
फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट एमिटेड बाय सोर्स चेंजेस बाय 10% एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो जब कोई सोर्स दूर जाता है ऑब्जर्वर से तो ये फॉर्मूला उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है 10% कम हो जाती है तो बची कितनी 90%। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 90%। तो पहले केस में 90% पुट करके आपने सोर्स की स्पीड निकाल ली वी की फॉर्म में। कह रहे अगर मान लो अगर सोर्स दूर की बजाय पास आता टूवर्ड्स आता तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला प्लस की जगह माइनस, तो ऐसे केस में कितने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बढ़ती? तो आप वी एस ऊपर से नीचे पुट कर दो सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा नई फ्रीक्वेंसी का, फिर आपको परसेंटेज चेंज निकालने आंसर आएगा। फॉर्मूलाज यार पता होने चाहिए, फॉर्मूला नहीं पता तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? मेन गेम ही डॉपलर में फॉर्मूला की है, कोई नया फॉर्मूला तो इसमें है नहीं, पुराने फॉर्मूलाज ही इसमें यूज करने हैं।